देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। देहरादून दो शब्दों देहरा और दून से मिलकर बना है। हिंदी में देहरा का अर्थ देवगृह अथवा देवालय है और पंजाबी में इसे समाधि, मंदिर तथा गुरुद्वारे के अर्थों में सुविधा अनुसार किया गया है। इस तरह दून शब्द दून से बना है। संस्कृत में ये शब्द द्रोणी का अर्थ दो पहाड़ों के बीच की घाटी है। आज हम आपको बताएंगे देहरादून में घूमने के 10 बेहतरीन जगहों के बारे में। नंबर 10, पल्टन बाजार। देहरादून का भागता दौड़ता पल्टन बाजार देहरादून की दिल की धड़कन है और ये शहर के जाने पहचाने क्लॉक टावर के पास से शुरू होता है। यहाँ से आप खरीदारी और खान पान का भरपूर मजा ले सकते हैं। नंबर 9, मालती डियर पार्क। देहरादून में राजपुरा रोड से थोड़ा आगे जाकर पड़ता है मालती डियर पार्क, जहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगाय, खरगोश, तेंदुए, हिरन, मोर आदि। यहाँ के शांत वातावरण में आपको सिर्फ प्रकृति की आवाज़ सुनाई देगी। नंबर 8, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1906 में बना और वन्य विद्या को समर्पित अग्रणी संस्थान है। ये जगह विश्व विख्यात इंडियन मिलिट्री अकेडमी के पास मौजूद है और यहाँ के म्यूजियम खास तौर पर छात्रों के लिए काफ़ी जानकारी रखते हैं। इस इमारत की शान अलग ही है। नंबर 7, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ जाने का सबसे उत्तम समय मानसून का वक्त है, जब यहाँ बहने वाला पानी एक खूबसूरत रूप दिखाता है। सहस्त्रधारा के पास एक रोपवे भी है। सहस्त्रधारा का अर्थ होता है हजार धाराएं। नंबर 6, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अपने हाथियों के लिए जाने जाने वाला राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप जीप सवारी या हाथी सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क, जिससे आपको वीडियो मिल सकेंगे हमारे सबसे पहले। नंबर 5, माइंडरोलिंग मोनेस्ट्री। देहरादून के पास बना माइंडरोलिंग मोनेस्ट्री भारत का सबसे बड़ा बौद्ध विद्यालय है। इसके पास ही एक 220 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नंबर 4, लच्छीवाला। देहरादून से 19 किलोमीटर दूर देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर स्थित है एक अति लोकप्रिय पिकनिक लोकेशन, जिसका नाम लच्छीवाला। यहाँ पर चलते हुए पानी के कुंड में, जहाँ बच्चे तो बच्चे बड़े भी जमकर मौज मस्ती करते हैं, यहाँ पर झूले और बोट राइडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। नंबर 3, रॉबर्ट्स केव, गुच्चू पानी। देहरादून की रॉबर्ट्स केव या गुच्चू पानी एक बहुत ही रोमांचकारी जगह है। यहाँ पर आपको पत्थरों से घिरे एक झरने के बीच से निकलना होता है। अंग्रेजों के समय कहते हैं कि यहाँ पर डाकू छुप कर रहते थे। हालांकि ध्यान रहे, मानसून के वक्त यहाँ पानी का बहाव काफ़ी तेज और खतरनाक रहता है। नंबर 2, तपकेश्वर मंदिर। एक प्राकृतिक गुफा में बना तपकेश्वर मंदिर काफ़ी अनोखा मंदिर है। यहाँ पर गुफा की छत से पानी टपकता हुआ सीधा यहाँ स्थापित शिवलिंग के ऊपर गिरता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के नहाने के लिए गर्म पानी का स्रोत उपलब्ध है। नंबर 1, मसूरी। देहरादून के पास स्थित है सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल मसूरी, जो कि देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ों की रानी के नाम से जाने जाने वाली मसूरी में घूमने का मजा ही कुछ और है। अगर आपके पास समय की कमी हो तो सुबह सुबह निकलकर रात तक आप घूमकर वापस आ सकते हैं। देहरादून और इसके आसपास इन 10 जगहों के अलावा घूमने के लिए गुरु राम राय गुरुद्वारा, टाइगर फॉल्स, तपोवन मंदिर, जोनल म्यूजियम आदि मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।